डिफ्लेक्ट कर जाता है. सो द मूवमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है. सच मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क के बारे में बता दिए थे. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मूला फॉर टॉर्क और उसका क्वेश्चन सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताएंगे. तो फार्मूला फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक टॉर्क, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ टू सॉल्व. सो टॉर्क क्या होता है बता दिया. फार्मूला कैसे होगा इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए वो निकालेंगे. तो ए भी एक डायपोल है, ओ मिड पॉइंट है और टू एल लंबाई होता है. डायपोल को रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं. तो प्लस ई क्यू इधर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, तो उधर की ओर एक माइनस ई क्यू काम कर रहा है इधर की ओर. कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू विच इट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. ए बी एक डायपोल है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए पी ऑन बी पी. ये थीटा, ये भी क्या हुआ थीटा, कुछ नहीं किया है, ये थीटा है. सो दिस इज द अल्टरनेट एंगल, सेम होगा थीटा, तो थीटा होगा. इज इट क्लियर. अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और इक्वेशन को सॉरी फॉर्मूला निकालेंगे. तो पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. लुक हियर, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेज ऑफ प्लस क्यू एंड व्हाट माइनस क्यू. ओ इज इट्स व्हाट मिड पॉइंट. 2L is its what length. Is it clear? It is kept in an electric field E में रखे हैं. Electric field intensity किसी का E है वहां पे रखे हैं. Then हम जानते हैं intensity equal to क्या होता है force by charge. So force equal to क्या होगा EQ at force equal to at A. F is equal to क्या होगा plus EQ and at B. फोर्स इज इक्वल टू क्या माइनस ई क्यू. दो वो फोर्स काम कर रहा है. अंडरस्टूड. ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू. ओ मिड पॉइंट टू एल लेंथ. इट इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है. ड्यू टू विच क्या होगा एक फोर्स काम करेगा. सिंस हम लोग इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पढ़ चुके हैं फोर्स बाय चार्ज होता है. तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा ई क्यू. एट ए में कितना फोर्स काम कर रहा है प्लस ई क्यू. तो एट बी में फोर्स कितना काम कर रहा है माइनस ई क्यू. क्लियर है. ए में कितना फोर्स बी में कितना फोर्स काम कर रहा है ये पता चल गया. प्लस ई क्यू माइनस ई क्यू एफ इज इक्वल टू ई क्यू. दीज कपल दीज आर क्या है ये कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ओन इलेक्ट्रिक डायपोल इन व्हाट ओपोजिट डायरेक्शन. ओपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है प्लस ई क्यू इधर तो माइनस ई क्यू इधर. दो फोर्स एक साथ काम कर रहा है. एट ए में कितना फोर्स काम कर रहा है ई क्यू. तो बी में कितना फोर्स काम कर रहा है माइनस ई क्यू. तो फोर्स के बारे में पता कर लिए. अब ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ड्यू टू विच इसके चलते क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल विल डिफ्लेक्ट. डिफ्लेक्ट हो जाएगा डिफ्लेक्ट अबाउट इट्स व्हाट एक्सिस एट ओ. About its midpoint O. About its midpoint O से deflect हो जाएगा. These couple of force will produce what torque? Due to which electric dipole will deflect about its midpoint and a torque acts on it. और एक torque काम करता है और वो deflect हो जाएगा तो torque काम कर रहा है ऐसे वापस आ जाएगा फिर इधर इस तरह से घूमते रहता है ये torque के अपेक्षा midpoint का. Understood? वीडियो पॉज करके नोट करिएगा बता रहे क्या है. सो अब क्या करते हैं लेट थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. थीटा एंगल से घूम गया डायपोल से था वैसे हो गया. थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अबाउट इट्स मिड पॉइंट. ओ के अपेक्षा थीटा एंगल से झुक गया. अब देखिए कैसे निकालते हैं टॉर्क. इसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं व्हाट बीपी ऑन व्हाट एपी. एक परपेंडिकुलर दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है बीपी है.
दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ता है टॉर्क के लिए। ये कितना बीपी, बीपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, क्या बीपी जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फोर्स प्लस इक्यू एंड फोर्स माइनस इक्यू। एफ बिटवीन एफ ए प्लस इक्यू और माइनस इक्यू के बीच का दूरी कितना है बी, बीपी, बीपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्लस इक्यू फोर्स एंड माइनस इक्यू फोर्स। क्लियर है? तो पहले हम ये बीपी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा इन ट्रायंगल ए पी बी। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस सॉरी हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, बीपी है, क्लियर? देख लीजिए थीटा के सामने 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाय क्या होगा 2l, ये दूरी कितना है 2l। सो बीपी इज इक्वल टू क्या होगा 2l। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिए बिटवीन दीज टू फोर्सेस प्लस इक्यू माइनस इक्यू, बीपी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। कैसे आया, बहुत इजी कैलकुलेशन है। साइन थीटा इक्वल क्या था परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर है बीपी और हाइपोटेनस कौन है 2l, सो बीपी इज इक्वल टू 2l साइन थीटा निकाल दी। सो आइए सो हम लोग पढ़े हैं टॉर्क इज क्या है, पढ़े 10th क्लास में 11th क्लास में मूवमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो वो फोर्स उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स प्लस इक्यू माइनस इक्यू, इक्यू लिखा था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बीपी। फिर देखिए फिगर ड्रॉ कर दिए पिछला फ्रेम में आप उसको डिस्क्राइब कर दिए, अब हम लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेट थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर बीपी ऑन एपी, बीपी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स प्लस इक्यू एंड माइनस इक्यू, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है बीपी है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल से हम लोग निकाल दिए बीपी का वैल्यू। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीपी है। अभी इसको आगे लोग सॉल्व करेंगे, नोट करिए वीडियो को पॉज करके। सो टॉर्क इज, टॉर्क का साइन होता है टॉर्क बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीपी है, फोर्स कितना इक्यू है। अब देखिए कितना निकाले बीपी का, देखिए तो 2l sin थीटा निकाले हम लोग 2l sin थीटा, सो टॉर्क इज इक्वल टू e इनटू q इनटू 2l इनटू sin थीटा। टॉर्क इज गिवन बाय e इनटू q इनटू 2l, q इनटू 2l, q इनटू 2l इज कॉल्ड p, ep sin थीटा। p इज क्या है बोलते हैं, पढ़े हैं हम कितना बार यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। p इज गिवन बाय P is given by Q into 2L. So very first formula. Torque is given by EP sin theta. Where E is electric field intensity. P is the dipole moment. And sin theta, theta is the angle between the, sorry, deflection of the torque. Kitna angle se deflect hua dipole, uska angle theta. So EP sin theta. Torque is given by EP sin theta. टॉर्क इज इक्वल टू इक्यू इंटू बीपी, इक्यू इंटू 12 साइन थीटा, क्यू इंटू 12 का पी होता है, पी इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट गिवन बाय क्यू इंटू 12, ईपी साइन थीटा डॉट इक्वल टू ईपी साइन थीटा। अंडरस्टूड, ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? देखिए वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, ऐसे भी किसको भी यूज कर सकते हैं, अगर आप दोनों F into perpendicular distance निकाल के भी कर सकते हैं हम लोग, या टॉर्क इज इक्वल टू ई क्यू इंटू 12 साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग चाहेंगे तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में बताएंगे और इस बात को नोट कर लीजिए, टॉर्क ईपी साइन थीटा। फर्स्ट यूनिट ऑफ टॉर्क कितना होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर, न्यूटन मीटर। टॉर्क इज गिवन बाय न्यूटन मीटर, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर, बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन और दूरी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है न्यूटन मीटर। इसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं, आंसर है। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टॉर्क कितना होगा, टॉर्क फोर्स कितना होता है एम वन एल वन
और डिस्टेंस क्या है l, यानी m1 l2 t minus 2 वर्क का डायमेंशन और टॉर्क एग्जाम में आता है। वर्क का डायमेंशन भी m1 l2 t minus 2, फोर्स का कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t minus 2 और दूरी के लिए कितना होता है, दूरी के लिए l होता है, m1 l2 t minus 2 वर्क का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू वर्क, यानी इसका फिजिकल मीनिंग वर्क है, टॉर्क इज फोर्स नहीं है वर्क है। तो ये क्या डायमेंशन क्या मतलब चलो क्या तीसरा बात, टॉर्क इज फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है ई पी साइन थीटा, टॉर्क को वेक्टर में लिखेंगे ना तो क्या होगा पी क्रॉस ई लिखा जाता है, पी क्रॉस ई, ए क्रॉस भी होता है पढ़ेंगे लेखन क्लास में, ए बी साइन थीटा, पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा चाहे ई पी साइन थीटा, बात एक ही है, पहले पी ही होगा उसके बाद ई होगा, P क्रॉस E, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क, ये वेक्टर फॉर्म है, ये जो लिखे ना ये क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या है टॉर्क है, यूनिट क्या है न्यूटन मीटर, डायमेंशन क्या है m1 l2 t minus 2, ये वर्क का डायमेंशन के बराबर होता है, टॉर्क कीजिए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क एग्जाम में लिखा जाएगा P क्रॉस E लिखेंगे, टॉर्क इज जीरो कितना होगा, टॉर्क जीरो कब होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, मतलब नो डिफ्लेक्शन, अगर कोई डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, थीटा विल बी जीरो डिग्री, तो टॉर्क विल बी क्या होता है ई पी साइन थीटा, ई तो होगा पी भी होगा लेकिन थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री, साइन पे जीरो जीरो होता है, टॉर्क विल बी जीरो, टॉर्क विल बी जीरो, टॉर्क जीरो कब होता है व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन मींस नो टॉर्क, है ना, मतलब पढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री में टॉर्क अगर जीरो है इसका मतलब उस डायपोल में कोई भी क्या नहीं हुआ डिफ्लेक्शन, तो व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू व्हिच टॉर्क इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं फिर भी टॉर्क जीरो है अगर थीटा विल बी जीरो डिग्री, अंडरस्टूड, इस बात को पूरा बात करो लीजिए और बहुत सी बता रहे हैं नोट कीजिए। सो नेक्स्ट, वेयर इज टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, कोई डायपोल रखे थे अगर वो सबसे अधिक डिफ्लेक्शन कब होगा जब वो इस स्टेट में आ गए, ए बी डाइपोल को रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में और इतना घूम गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम थीटा विल बी 90 डिग्री, मतलब इतना ज्यादा घूमेगा तब जाके टॉर्क मैक्सिमम होगा, अतः क्या में टॉर्क इज मैक्सिमम वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो टॉर्क इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा, अगर टॉर्क मैक्सिमम निकालने बोला है E into P into sin का 90 डिग्री लिखना है, E into P into 1 होता है, so torque maximum is given by EP, एक छोटा सा E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और P क्या है डाइपोल मोमेंट, टॉर्क इज मैक्सिमम। एक और बात है नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एग्जाम क्वेश्चन है ए बी एक डाइपोल था इधर की ओर प्लस ई क्यू इधर की ओर माइनस ई क्यू, फोर्स इज गिवन बाय फोर्स एट ए प्लस फोर्स एट बी, इधर की ओर क्या है प्लस ई क्यू इधर की ओर क्या है माइनस ई क्यू, कट जाएगा, नेट फोर्स जीरो था, फोर्स काम नहीं करता, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल में देर इज नो फोर्स देर इज टॉर्क, फोर्स काम नहीं करता, फोर्स काम करे तो वो लीनियर मोशन में आता, फोर्स काम नहीं करता है, फोर्स नहीं काम करता बल्कि टॉर्क काम करता है, फोर्स नेट जीरो होता है, कैसे प्लस की क्यू उधर तो माइनस की क्यू दोनों को जोड़ेंगे जीरो होगा, प्लस की क्यू और क्या है माइनस की क्यू जोड़िए प्लस की क्यू माइनस कट जाएगा क्या हो जाएगा प्लस की क्यू माइनस की क्यू कैंसिल, तो नेट फोर्स विल बी क्या होगा जीरो, एग्जाम का क्वेश्चन है, जितना चीज बता दिए फोर्स के बारे में टॉर्क के बारे में इलेक्ट्रिक टॉर्क जीरो कब होता है मैक्सिमम कब होता है यूनिट क्या होता है डायरेक्शन क्या होता है फॉर्मूला सब बता दिए, नोट कर लीजिए एनसीईआरटी में इतना ही है टॉर्क के बारे में, कुछ एक आध क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं बहुत इजी है यूज करना, फाइंड द इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्जेज प्लस 5 माइक्रो कूलम्ब एंड माइनस 5 माइक्रो कूलम्ब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर वेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ 2.4 न्यूटन पर कूलम्ब एंड बिकम्स डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला कोई जान जाए तो बता दे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक टॉर्क, एक टॉर्क निकालते हैं हम लोग, फाइंड द इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का ही क्वेश्चन में टॉर्क हो सकता है और फिर होगा, ऑफ चार्ज प्लस 5 माइक्रो कूलम माइनस 5 माइक्रो कूलम लेंथ 5 सेंटीमीटर व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.4 न्यूटन पर कूलम एंड बिकम्स डिफ्लेक्टेड बाय 30 डिग्री। इतना डाटा दिया हुआ है, जो फार्मूला जान गया वो तुरंत बना लेगा टॉर्क निकालने का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क। वेरी इजी, एक डायपोल दिया हुआ, देखिए एक डायपोल थीटा 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 2.4 न्यूटन पर कूलम, थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन है टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या है, ईपी साइन थीटा। ईपी साइन थीटा ई दिया हुआ है, पी नहीं दिया, पी पहले से निकाली, पी इज कॉल्ड डायपोल, पिछला वीडियो देखो कितना बार निकाले लोग, क्यू इंटू 2L, क्यू का वैल्यू क्या है 5 माइक्रो कूलम और लेंथ कितना दिया 2L का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5×10 का पावर माइनस 2 10 का पावर माइनस 8 कूलम मीटर, क्या निकाल दिए, पी निकाल दिए, तो टॉर्क इज गिवन बाय ईपी साइन थीटा, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, पी का वैल्यू कितना निकाले 25×10 का पावर माइनस और साइन का 30 डिग्री 1/2 कट जाएगा 1.2 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3×10 का पावर माइनस 8 न्यूटन मीटर। अंडरस्टूड, टॉर्क कैसे निकालते हैं, इसी में पूछा जाता है कि टॉर्क मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम टॉर्क कितना काम करेगा उसमें, तो अगर बोलता है टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू बस क्या लिखते लोग E into P लिखते, अंडरस्टूड, बस फॉर्मूला जानेंगे बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का जा जाएगा, थोड़ा सी स्टडी करिए, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू कितना है 2.4 और P का वैल्यू कितना है 25×10^-8 इन दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 60×10^-8 और यू कैन से 6×10^-7 न्यूटन पर कूलम इज टॉर्क मैक्सिमम। Understood? So how to find torque maximum? इधर ये 30 डिग्री निकाले हैं और ये मैक्सिमम निकाले हैं। इधर क्लियर? नोट कर लीजिए, टॉर्क के बारे में सब कुछ बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे खत्म होगा कि साइज कम बनाएंगे, नोट कर लीजिए।